हिजबुल्ला को बड़ा जख्म देने के बाद इसराइल ने लेबनान कूच किया है। इजरायली सेना पूरे लाभ लश्कर के साथ लेबनान में हिजबुल्ला ठिकानों को तबाह करने में जुटी है। इस कड़ी में इजरायली सेना ने बेरूत के दक्षिणी उपनगर पर एक दर्जन हवाई हमले किए। लेबनानी न्यूज एजेंसी NNA के मुताबिक बेरूत ने देश पर इजरायल के हमलों की शुरुआत के बाद से सबसे हिंसक रात देखी है। इजरायली सेना ने रात भर में बेरूत के दक्षिणी उपनगर पर 30 से ज्यादा हमले किए, जिसकी आवाज पूरे शहर में सुनी जा सकती थी। इससे बौखलाए हिजबुल्ला लड़ाकों ने अलग अलग ठिकानों से इजरायल पर भीषण बमबारी कर अपना गुस्सा दिखाया। दरअसल इजरायली सेना लेबनान में हथियारों की धरपकड़ के साथ साथ टनल्स में भी अभियान चला रही है। इससे हिजबुल्ला लड़ाकों में जबरदस्त खलबली मच गई है। इजरायली सेना लेबनान में कोई कसर छोड़ती नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि लड़ाकों की छटपटाहट उनके इजरायल पर हमलों में साफ तौर से देखी जा रही है। लड़ाके उत्तरी इजरायल को दहलाने की हर कोशिश कर रहे हैं। इजरायल के चैनल 12 ने बताया कि सुबह से ही हिजबुल्ला ने उत्तरी इजरायल में लक्ष्यों की ओर 135 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। ये संख्या लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक और रॉकेट इजरायली लक्ष्यों पर गिरे हैं। लेबनानी समूह की माने तो लेबनान पर इजरायली हमलों के उलट हिजबुल्ला के लक्ष्य सटीक हैं और उनमें नागरिक क्षेत्र और बुनियादी ढांचे शामिल नहीं है। हिजबुल्ला ने कहा कि उसके रॉकेटों ने सकनीन के पास ATA मिलिट्री इंडस्ट्री कंपनी को निशाना बनाया। लड़ाकों ने माले गोलानी बैरकों और कटजरिम की बस्ती में इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर गोलीबारी की। हिजबुल्ला ने अपने ताजा हमले से जुड़ा एक खौफनाक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें लड़ाके जंगल के अलग अलग कोने से इसराइल की ओर रॉकेट दागते नजर आ रहे हैं। अलग अलग किस्म के गोला बारूद से इसराइल को दहलाने की कोशिश की गई। लड़ाकों ने अलग अलग साइट पर एक ही समय पर इसराइल की ओर टारगेट सेट किया। इसके बाद एक साथ सैकड़ों की संख्या में खतरनाक हथियारों को इसराइल पर दागा गया। इसके अलावा प्रतिरोध ने कैफर गिलाडी में इसराइली दुश्मन सैनिकों के जमावड़े पर रॉकेट बैराज से बमबारी की। लड़ाकों ने मरून जंगल में अल बैट हाइट्स की ओर बढ़ रहे एक मरकुआ टैंक को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाकर उड़ाया। लड़ाकों ने फादी 1 मिसाइल की बौछार से रमत डेविड बेस पर बमबारी की। इस्लामिक रेजिस्टेंस के लड़ाकों ने सासा की बस्ती पर 2 फलक 2 मिसाइलों से बमबारी की। इस्लामिक रेजिस्टेंस के लड़ाकों ने करमील की बस्ती पर रॉकेट की बौछार की। लड़ाकों ने बीते 5 अक्टूबर को कफर जुवल में इजरायली सैनिकों की सभाओं पर रॉकेट से बमबारी की। इस्लामिक रेजिस्टेंस के लड़ाकों ने सफद शहर को रॉकेट की बौछार से निशाना बनाया। साथ ही दान बस्ती में सैनिकों के बैरकों और सभाओं को बड़े रॉकेट की बौछार से निशाना बनाया। वहीं गोलानी बैरकों पर रॉकेट की बौछार से बमबारी की। लड़ाकों ने सकनीन के पास ATA सैन्य उद्योग कंपनी पर रॉकेट से हमला किया। लड़ाकों ने रॉकेट से हमला कर कटजरिन की बस्ती में दुश्मन सैनिकों के जमावड़े को निशाना बनाया। इस्लामिक प्रतिरोध के लड़ाकों ने रॉकेट से हमला कर जल अल देईर साइट पर इजरायली दुश्मन सैनिकों के जमावड़े को निशाना बनाया।